हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है भाई, ठीक है। कहां पर? दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पॉटरी कल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसने जीता भाई? हैदराबाद ने। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की भाई, तेलंगाना की भाई। कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड है भाई? मूसी नदी के किनारे सिचुएटेड है। हैदराबाद की क्या फेमस है भाई? चार मीनार भाई। क्या फेमस है? चार मीनार भाई, ठीक है। किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने चार मीनारों को बनवाया था भाई, कुली कुतुब शाह ने भाई, शाह ने, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाए, हैदराबाद का भारत में विलय कैसे किया गया था? क्योंकि हैदराबाद के निजाम होते थे भाई, हैदराबाद का जो निजाम होता था उसका नाम था मीर उस्मान अली खान भाई, मीर उस्मान अली खान भाई, जो मीर उस्मान अली खान था ना, ठीक है। पुलिस कार्रवाई के तहत इसने अपने आप को स्वतंत्र करने की बात कही थी जब हम आजाद हुए, ठीक है। परंतु पुलिस कार्रवाई के तहत हैदराबाद को भारत में क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था। किसके तहत भाई? पुलिस एक्शन के तहत। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ने लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पुरस्कार भी जीता है। हैदराबाद को पेरिस, मेक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल और ठीक है पोर्टालेजा जैसे शहरों को आकर क्या किया गया? विजेता घोषित किया गया। तो याद रखना भाई, हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया 2022 का भाई। यदि बात करें हैदराबाद कौन से राज्य में पड़ता है, तो जो हैदराबाद है वो कौन से राज्य में पड़ता है? वो पड़ता है तेलंगाना में, कैपिटल ऑफ तेलंगाना है भाई। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है प्रेजेंट में? तेलंगाना की राज्यपाल है प्रेजेंट में तमिलसाई सौंदरिया राजन भाई। क्या है? तेलंगाना की राज्यपाल है भाई। मुख्यमंत्री कौन है भाई? के चंद्रशेखर राव है भाई, ठीक है। दवी सदनिया 82 है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी भाई। विधानसभा की कितनी सीटें? 119 सीटें हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7 सीटें। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 17 सीटें हैं। प्रश्न आए कि भारतीय ठीक है नेशनल पुलिस अकेडमी भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी भी कहां पर है? हैदराबाद के अंदर ही क्या भाई सिचुएटेड है। अगले प्रश्न पर आते हैं भाई, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? गोवा में भाई नोवी आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सो की क्या की क्या मिली भाई? मेजबानी करेगा भाई जो भारत का गोवा राज्य है भाई, ठीक है। वो नोवी विश्व की गोवा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का क्या सबसे छोटा राज्य है भाई? गोवा की कैपिटल क्या भाई? पणजी है भाई, ठीक है भाई। गोवा को पुर्तगालियों से कब भाई? 19 दिसंबर 1961 में भाई, ठीक है। गोवा को पुर्तगालियों से क्या करवाया गया था? मुक्त करवाया गया था भाई। आरोग्य एक्सो और भाई विश्व आयुर्वेद कांग्रेस ठीक है कि मेजबानी करेगा कब से लेकर कब तक भाई? 8 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक। कौन सा राज्य भाई? ठीक है भारत का जो स्टेट है जिसका नाम क्या है? गोवा भाई, ठीक है। थीम क्या रहेगी? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ भाई। और आयुर्वेद के पिता किसको कहा जाता है भाई? पतंजलि को भाई। इसको कहा जाता है पतंजलि को। इसका आयोजन विज्ञान भारती पहल वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के द्वारा क्या किया जाएगा? किया जाएगा भाई। तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सो की मेजबानी कौन करेगा? गोवा करेगा भाई, ठीक है। गोवा भाई, गोवा के राज्यपाल कौन है? ठीक है पीएस श्रीधरन गोवा के क्या है? राज्यपाल है भाई। प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है भाई। केवल एक ही आवश्यक विधानसभा, विधानसभा की सीटें कितनी है भाई? 40 है भाई, ठीक है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1 भाई। लोकसभा की कितनी सीटें हैं जी? 2 भाई। गोवा की कैपिटल कौन सी भाई? ठीक है पणजी है भाई। गोवा के अंदर एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? दोबोलिम भाई, दोबोलिम, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भाई, एयरपोर्ट भी कहां पर है? गोवा में भाई। हवाई अड्डा कहां पर है भाई? गोवा में। गोवा में भाई कौन सी ठीक है बंदरगाह पाई जाती है? तो उसका नाम है जी मारमा गोवा भाई, मारमा गोवा। पोर्ट भी कहां पर है भाई? गोवा में है भाई। कहां पर है भाई? गोवा में है। तो गोवा के अंदर विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सो
कि एक्सो की क्या करेगा भाई, मेजबानी करेगा भाई। देखिए भाई, गोवा, गोवा कोंकणी भाषा बोली जाती भाई। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का क्या सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर चौथा छोटा राज्य है भाई। देखिए पूरी दुनिया में गोवा अपने समुद्र के सुंदर किनारों और वहां पर जो भी चीजें सिचुएटेड की गई है भाई, गोवा पर बहुत लंबे समय तक उपनिवेश रहा था भाई, किसका, ठीक है, पुर्तगाल का भाई। पुर्तगालियों ने गोवा को लगभग भाई, ठीक है, कितने साल तक शासन किया, 450 साल तक भाई। और 19 दिसंबर 1961 को, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में पूछा जाता है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है भाई, गोवा मुक्ति दिवस। गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करा गया था भाई, 19 दिसंबर 1961 को भाई, गोवा मुक्ति दिवस भाई, 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से क्या करवा लिया गया था भाई, मुक्त करवा लिया गया था। गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था भाई, 25वां राज्य बना था भाई गोवा भारत का, ठीक है, कौन कब बना था भाई, ठीक है, गोवा भारत का 25वां राज्य बना था भाई 1987 में भाई, ठीक है, भारत का 25वां स्टेट कौन सा बना था भाई, गोवा बना था भाई। 22वां पूछे तो कौन सा बना था भाई, सिक्किम बना था भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में भाई, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में, ठीक है, सबसे ऊपर हरियाणा का कौन सा राज्य रहा भाई, बड़े राज्यों में भाई वो कौन सा रहा, हरियाणा रहा भाई। 14 अक्टूबर 2022 को जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में PI में 2022 में 18 बड़े राज्यों में, ठीक है, हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में क्या किया भाई, उभरा है भाई, ठीक है, कौन भाई, ठीक है, हरियाणा भाई, ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में भाई। जारीकर्ता कौन भाई, पब्लिक अफेयर सेंटर PAC बेंगलोर भाई, ठीक है, क्या भाई, बेंगलोर भाई। बेंगलोर कहां पर है, कर्नाटक में भाई। और बेंगलोर को भारत का क्या कहा जाता है जी, साइंस सिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक शहर कहा जाता है, ठीक है, सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है, ठीक है, और इसरो सिटी भी किसको कहा जाता है, बेंगलोर को भाई। और बेंगलोर में कौन सा, ठीक है, बेंगलोर में भाई किसका हेडक्वार्टर है भाई, इसरो का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, बेंगलोर में। राज्यों को बड़े और छोटे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया भाई, और इसका मूल्यांकन केंद्र सरकार के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। और छोटे राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा रहा है, सिक्किम भाई। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में, ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन सा रहा भाई, हरियाणा भाई। हरियाणा भाई 1 नवंबर 1966 को भाई, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को भाई, किससे अलग होकर भाई, पंजाब से अलग होकर, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 18वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था भाई, संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा भाई, ठीक है, भारत का कौन सा राज्य बना था भाई, 17वां राज्य बना था भाई, ठीक है, कौन सा राज्य बना था, 17वां राज्य बना था जो हरियाणा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना, 44212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की पॉपुलेशन है 2,53,51,462 है भाई, किसकी पॉपुलेशन भाई, हरियाणा की। हरियाणा का प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है भाई, हरियाणा का प्रेजेंट में राज्यपाल है जिसका नाम है बंडारू दत्तात्रेय भाई। हरियाणा का CM कौन है भाई, प्रेजेंट में मनोहर लाल खट्टर भाई। विधानसभा कितनी सीटें भाई, ठीक है, 90 भाई। राज्यसभा की 5, लोकसभा की 10 भाई। और हरियाणा की कैपिटल कौन सी है जी, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का वास्तुकार किसको माना जाता है भाई, ठीक है, ली कार्बूजियर को क्या माना जाता है, चंडीगढ़ का वास्तुकार। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन रहा भाई, हरियाणा रहा है। देखिए भाई, विश्व बैंक ने भाई, वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश, देखिए भाई आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को फर्स्ट लैंग्विस्टिक स्टेट बना था, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य भाई, आधार पर बनने वाला पहला राज्य था भाई, प्रथम स्टेट था भाई, कौन सा भाई, आंध्र प्रदेश भाई, ठीक है। आंध्र प्रदेश को साल्ट परियोजना के लिए भाई, ठीक है, $250 मिलियन का क्या दिया जाएगा भाई, ऋण दिया जाएगा भाई। साल्ट की फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन भाई, ठीक है, साल्ट की फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन भाई। सपोर्ट क्या भाई, साल्ट की फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन भाई। और ये लोन कौन मुहैया करवाएगा, ये जो लोन है ना, ये मुहैया करवाएगा कौन भाई, वर्ल्ड बैंक भाई। वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, ये लोन मुहैया करवाएगा। वर्ल्ड बैंक ने भाई साल्ट परियोजना का समर्थन देने के लिए भाई $250 मिलियन का बिना शर्त ऋण दिया है भाई। इसका उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास क्या करवाना भाई, प्रदान करवाना भाई। तो किसने भाई, वर्ल्ड बैंक ने भाई।
बात किसकी चल रही भाई, आंध्र प्रदेश की भाई। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या भाई, अमरावती भाई। भारत का 25वां हाई कोर्ट भी कहां पर को लगा था भाई, भारत का 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही खोला गया था। कहां पर को लगाया था, अमरावती आंध्र प्रदेश में भाई। ठीक है, प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण, ठीक है भाई, विश्वभूषण हरिचंदन भाई। आंध्र प्रदेश के क्या हैं, राज्यपाल है। सीएम कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी भाई। दो हाउसेज हैं भाई, विधान परिषद की कितनी सीटें, 58 भाई, और विधानसभा की कितनी सीटें, 176 भाई। कितनी सीटें, 176 भाई। राज्यसभा की कितनी सीटें, 11, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं भाई। राज्यसभा की कितनी सीटें, 11, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं भाई। तो वर्ल्ड बैंक ने दिया था, तो अब बात करते जी वर्ल्ड बैंक की भाई। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक भाई, विश्व बैंक का लोगो क्या है भाई, सिद्धांत क्या है भाई, ये लोगो है भाई, सिद्धांत क्या है, वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी भाई। ये क्या है, ठीक है भाई, चूरी वर्ल्ड बैंक की, या मोटो है भाई क्या, वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी भाई। स्थापना कब हुई भाई, जुलाई 1944 में भाई। ठीक है, ये मौद्रिक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, लोगों को वित्तीय सहायता क्या करवाता भाई, उपलब्ध करवाता देशों को। मुख्यालय कहां पर, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में भाई। सदस्यता कितने लोगों ने ले रखी है भाई, ठीक है भाई, 189 लोगों ने, और प्रेजेंट में काम कितने कर रहे हैं भाई, 173 भाई। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है, प्रेजिडेंट कौन है, पेपर में बार बार आता है, उनका नाम क्या है, डेविड मॉलपोस है भाई। क्या नाम है, डेविड मॉलपोस, वर्ल्ड बैंक के क्या है भाई, ठीक है, क्या अध्यक्ष है भाई। तो वर्ल्ड बैंक ने भाई $250 मिलियन का क्या भाई, ऋण उपलब्ध करवाया किसको भाई, साल्ट योजना के तहत भाई, किसको भाई, आंध्र प्रदेश सरकार को भाई। नितिन गडकरी भाई, नितिन गडकरी का नाम से भी जानते होंगे, प्रेजेंट में भारत के सड़क एवं परिवहन के हैं मंत्री हैं भाई। ठीक है, योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में इंडियन रोड कॉन्फ्रेंस का क्या क्या उद्घाटन किया भाई। ठीक है, अधिवेशन का कौन सा भाई, 81वां क्या था, संस्करण था भाई। और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2024 से पहले यूपी में सड़कों का नेटवर्क अमेरिका के क्या होगा, बराबर होगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय ने 5,00,000 करोड़ रुपए का क्या भाई, सड़क परियोजनाओं के लिए क्या है, दिया है। गडकरी ने उत्तर प्रदेश के लिए 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी क्या दे दी भाई, स्वीकृति दे दी है भाई। ठीक है, तो कहां पर भाई, ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया भाई, नितिन गडकरी ने, कहां पर किया, उत्तर प्रदेश में भाई, उत्तर प्रदेश भाई। देखो भाई, जनसंख्या के आधार पर भाई, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य भाई कौन सा भाई, उत्तर प्रदेश भाई। उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है भाई, आनंदीबेन पटेल, ओ सॉरी भाई, राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ भाई। ठीक है, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 100 भाई। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 403 भाई। राज्यसभा की कितनी सीटें भाई, ठीक है, 31 भाई। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80। और कोई भी आपसे पूछे कि भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक विधानसभा की सीटें, सबसे अधिक लोकसभा की सीटें और सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं, वो कौन सा स्टेट है, उस स्टेट का नाम है यूपी भाई। और जनसंख्या के आधार पर भारत का क्या सबसे बड़ा क्या भाई, क्या ये राज्य है भाई, देखो भाई, यूपी भाई। यदि बात करें, यूपी भारत का एक ऐसा राज्य है भाई जिसकी सीमाएं सबसे अधिक राज्यों के साथ टच मारती है। यूपी की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को टच मारती है। पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य है हरियाणा भाई, चौथे की यदि बात करें तो मैं यहाँ पर यूटी लिख रहा हूँ भाई, 1 यूटी दिल्ली भाई। दिल्ली के बाद राजस्थान भाई, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भाई, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ भाई, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड भाई, और झारखंड के बाद क्या जी, बिहार भाई। क्या जी, बिहार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाई, ठीक है भाई। और 1 यूटी है भाई, दिल्ली भाई। बार बार पेपर में आता, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को टच मारती है। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा विश्व के सर्वाधिक देशों को छूती है, वो है चीन भाई। और भारत में कौन सा है, यूपी भाई। और यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जी, जिसका नाम है सोनभद्र भाई। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, सोनभद्र भाई। और यूपी का सोनभद्र एक ऐसा जिला है भारत का भाई जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है भाई, ठीक है। और वो राज्य कौन कौन से, एमपी है भाई, कौन सा भाई, छत्तीसगढ़ है भाई, कौन सा झारखंड है भाई, और कौन सा है भाई, बिहार है। भारत का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है, वो कौन सा है आपका, ठीक है भाई, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सोनभद्र भाई। चलिए, कौन सी कैपिटल क्या भाई, लखनऊ भाई। लखनऊ को क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर।
भारत का, ठीक है, जो मानक समय भाई, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भाई, 82:30, ठीक है, कहां से लिया गया भाई, उत्तर प्रदेश से लिया गया, 82:30, कौन से स्थान से भाई, नैनी नामक स्थान है भाई, नैनी, ठीक है, किसके समीप भाई, मिर्जापुर के समीप भाई, ठीक है, कहां से जी, उत्तर प्रदेश से, भारत के मानक टाइम का, ठीक है, मानक समय का भी क्या किया गया भाई, निर्धारण किया गया है भाई। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं भाई, देख लिए भाई, भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज बनेगा भाई, कौन सी नदी पर भाई, कृष्णा नदी पर, यह दक्षिण भारत की क्या है, नदी है, भारत में पहला सस्पेंशन ब्रिज बनेगा भाई, कौन सी नदी पर मंजूरी बड़ी मिली है भाई, कृष्णा नदी पर, यह भारत का तो पहला होगा और विश्व का क्या होगा, दूसरा क्या होगा भाई, सस्पेंशन ब्रिज होगा भाई, कब भाई, 13 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र सरकार, आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल, ठीक है, स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करने की मंजूरी दी है भाई, ठीक है, किस किस की बाउंड्री बनाती है, कृष्णा, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की भाई, ठीक है, और इनके लिए भाई, ठीक है, स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज बनाएगा, तारों से बना हुआ ये ब्रिज होगा भाई, एक बार पूरा होने के बाद पूरी दुनिया में अपनी तरह का दूसरा होगा और भारत का क्या होगा भाई, पहला ब्रिज होगा, जिसकी लागत होगी 1,082.5 करोड़ रुपए भाई। तो भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज कौन सी नदी पर बनाया जाएगा भाई, कृष्णा नदी पर भाई, कौन सी नदी पर बनाया जाएगा, कृष्णा नदी पर, बात किसकी करें भाई, कृष्णा नदी की भाई, बात किसकी करें, कृष्णा नदी लिख लिया था, बात किसकी करें, कृष्णा नदी की भाई। देखो भाई, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है भाई, ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से भाई, ठीक है, पश्चिमी घाट की श्रृंखला से होता है, यह भारत के पश्चिमी समुद्र तट से अधिक दूर नहीं है भाई, यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है भाई, और फिर भी सामान्यतः दक्षिण पूर्व दिशा में सांगली से होते हुए कर्नाटक राज्य की सीमा की ओर बहती है, और यहां पहुंचकर यह नदी पूर्व दिशा में मुड़ जाती है और एक नियमित गति से कर्नाटक और आंध्र प्रदेशों से होकर बहती है भाई। अब यह दक्षिण पूर्व एवं फिर पूर्वोत्तर दिशा में घूम जाती है, और इसके बाद यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से किसमें गिर जाती है भाई, ठीक है, इसका भाई उद्गम पूछे तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में भाई, और इसका, ठीक है, फालसोन पॉइंट पूछे तो विजयवाड़ा भाई, विजयवाड़ा कहां पर, आंध्र प्रदेश में, ये बेउप बंगाल में क्या हो जाती है, गिर जाती है भाई, ठीक है, लंबाई कितनी, 1290 किलोमीटर है भाई, किसकी भाई, कृष्णा नदी की भाई। कोई भी पूछे कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां से है भाई, कृष्णा नदी का उद्गम होता है भाई महाबलेश्वर, ठीक है, महाराष्ट्र से, और भाई फालसोन पॉइंट कहां पर है, विजयवाड़ा भाई, विजयवाड़ा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, बेउप बंगाल में गिरती है, लेंथ कितनी, 1290 भाई। भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज इसी नदी पर बनाया जाएगा भाई। पार्थ सत्यपति को, ठीक है, ब्रोनियाई या हर्जेगोविनिया भाई, ये एक ही देश के नाम है, का क्या बनाया गया, राजदूत बनाया गया। पार्थ सत्यपति को बोर्निया या हर्जेगोविनिया का क्या बनाया गया है, राजदूत बना गया। वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी, ठीक है, पार्थ सत्यपति को वर्तमान में हंगरी में है भारत के राजदूत के रूप में क्या कर रहे, काम कर रहे भाई, और इन्हीं को हाल ही में भाई ब्रोनिया या हर्जेगोविनिया, ये एक ही देश का नाम है भाई, की राजधानी कौन सी भाई, ठीक है, सारायेवो का क्या बनाया गया भाई, ये बनाया गया भाई, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविनिया का क्या भाई, ठीक है, राजदूत एम्बेसडर बनाया गया। अन्य देशों के एम्बेसडरों की बात कर लेते हैं भाई, प्रकाश चंद को बनाया गया ऑस्ट्रिया का भाई, संजय कुमार को बनाया गया कनाडा का भाई, नागेश सिंह को बनाया गया थाईलैंड का, प्रणय वर्मा को किसका बनाया गया, बांग्लादेश का, सुधाकर दलीला को बनाया गया भूटान का, प्रदीप कुमार रावत को बनाया गया चीन का, नवीन श्रीवास्तव को बनाया गया नेपाल का भाई, बंडारू, ठीक है, विल्सन बाबू को मेडागास्कर का, सीआई जॉर्ज को किसका, जापान का भाई, आदर्श स्पिस्का को भाई कुवैत का भाई, ठीक है, अवतार सिंह को कहां का, गिनी रिपब्लिक का, और पार्थ सत्यपति को कहां का भाई, ब्रोशनिया या हर्जेगोविनिया का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भाई। चलो भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, किसका भाई, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे भाई, कब भाई, 17 अक्टूबर 2022 को, कहां पर भाई, भारतीय किसान अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के अंदर भाई।
प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान भाई प्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में भाई डायरेक्ट जो किसानों को सम्मान निधि योजना दी जाती है के माध्यम से 12वीं किस्त दी जाएगी भाई के रूप में भाई किसान फेलोशिप योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए क्या क्या करेगा भाई जारी करेगा भाई कौन भाई ठीक है प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि योजना जो जिसमें ठीक है किसानों को ठीक है साल में कितने बार भाई 6,000 रुपये दिए जाते हैं और 4 महीने के बाद कितने रुपए दिए जाते हैं भाई 2,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत एक ब्रांड भारत के तहत सब्सिडी वाले यूरिया बैग भी क्या करेंगे लॉन्च करेंगे भाई इसी के अंदर भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन का उद्घाटन भाई 17 अक्टूबर को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में करेंगे कौन करेंगे प्रधानमंत्री किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि विषय में दी जाएगी भाई। और भाई वन नेशन वन फर्टिलाइजर के लिए भाई जो फर्टिलाइजर जो यूरिया खाद होता है उसके लिए भी एक बैग भी क्या करेंगे लॉन्च करेंगे कौन भाई नरेंद्र मोदी भाई। चलिए भाई अगला प्रश्न ठीक है किससे क्रिकेट से भाई भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भाई एशिया क्रिकेट कप जीत लिया भाई किसको हराकर श्रीलंका को हराकर भाई किसको हराकर श्रीलंका को हराकर कब का भाई 2022 का भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर ये क्या खिताब जीता भाई। अभी तक हुए 8 एशिया के कपों में भाई भारत कितनी बार विजेता है 7 बार भाई। फाइनल में स्मृति मंदाना ने सबसे ज्यादा कितने रन बनाए भाई 51 रन बनाए थे। ध्यान रखना भाई एशिया कप महिलाओं का किसने जीता भाई ठीक है भारत ने और पुरुषों का किसने जीता था भाई श्रीलंका ने जीता था और किसको हरा था फाइनल में पाकिस्तान को हरा था। यदि बात करें बीसीसीआई की भाई बीसीसीआई गवर्निंग बॉडी भाई क्रिकेट की किसके अंदर भाई इंडिया के अंदर जो भारत में क्रिकेट का आयोजन किया जाता है वो बीसीसीआई करती। बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी भाई 1928 में भाई हेडक्वार्टर कहां पर है भाई हेडक्वार्टर कहां पर है मुंबई में भाई। बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट थे भाई वो कौन थे सौरभ गांगुली भाई उन्होंने इस पद से क्या दे दिया इस्तीफा दे दिया। नए प्रेसिडेंट का क्या होगा जी चुनाव होगा। और बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष है उनका नाम क्या है राजीव शुक्ला और जो सचिव है उनका नाम क्या है जयेश शाह भाई। एक ऑर्गेनाइजेशन और भी है भाई आईसीसी भाई ठीक है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भाई इसकी स्थापना कब हुई थी भाई 1909 में हुई थी भाई। हेडक्वार्टर कहां पर है दुबई में भाई हेडक्वार्टर कहां पर है दुबई में। आईसीसी के ठीक है प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है भाई ग्रेग बोरकेल हैं भाई ग्रेग बोरकेल हैं भाई और ये कहां से न्यूजीलैंड कंट्री के हैं भाई कहां के हैं न्यूजीलैंड कंट्री के हैं भाई। और क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसको माना जाता है इंग्लैंड को माना जाता है भाई। चलिए भाई बात कहां से जयपुर से जयपुर में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन क्या भाई शुरू हुआ कब से भाई 14 अक्टूबर 2022 से। उद्घाटनकर्ता कौन थे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भाई जयपुर में 3 दिवसीय इस सम्मेलन के भाई ठीक है क्या की भाई उद्घाटन किया 5वें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जीओ इंडिया 2022 का क्या क्या उद्घाटन किया भाई ठीक है। इसमें भारत और अमेरिका नॉर्वे ठीक है और यूरोप सेंट्रल सहित अन्य देशों के 100 से अधिक विशेषज्ञ क्या है भाई शामिल है भाई ठीक है। प्रतिनिधि प्राकृतिक गैस तेल के बेहतर उत्पादन के नवीनतम शोधों को क्या करेंगे साझा करेंगे जो रिसर्च हुई उनको क्या करेंगे साझा करेंगे भाई। तो जयपुर में भाई 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन क्या क्या है शुरू हुआ और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है हरदीप सिंह पुरी कहां पर जयपुर में भाई। जयपुर किसकी कैपिटल है राजस्थान की भाई ठीक है सवाई राजा जयसिंह ने बसाई थी भाई जयपुर। जयपुर को क्या कहा जाता है पिंक सिटी कहा जाता है क्या कहा जाता है भाई पिंक सिटी कहा जाता है ठीक है भाई। यदि बात करें प्रेजेंट में राजस्थान के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या कालराज मिश्रा है भाई ठीक है। सीएम कौन है अशोक गहलोत है भाई। राजस्थान विधानसभा की सीटें कितनी है 200 है भाई। राजस्थान विधानसभा की सीटें कितनी है 200 है भाई। राज्यसभा की सीटें कितनी है 10 और लोकसभा की सीटें कितनी है 25 भाई। और राजस्थान जो हाई कोर्ट है भाई ठीक है वो कहां पर है ठीक है जैसलमेर के अंदर। राजस्थान हाई कोर्ट कहां पर है भाई जैसलमेर के अंदर है भाई ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं भाई नागालैंड भाई नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भाई
सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की है, क्या की भाई, शुरू की अपने राज्य के अंदर भाई। नागालैंड भाई, नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था भाई, कब बना था 1963 में भाई, ठीक है, कब भाई 1963 में भाई। तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफू रियो ने की भाई। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को इस योजना के तहत इन पेशेंट उपचार प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और इस योजना से अर्जित राजस्व का उपयोग अस्पतालों द्वारा अपनी अपनी सुविधाओं में स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण और सुधार के लिए किया जा सकता है। तो नागालैंड के सीएम भाई मुख्यमंत्री कौन है, नेफू रियो ने सार्वभौमिक, ठीक है, स्वास्थ्य योजना की क्या की है, लॉन्च की है भाई। यदि बात किया जाए राज्यपाल कौन है प्रेजेंट में भाई, नागालैंड के जो राज्यपाल है उनका नाम है जगदीश मुखी भाई। सीएम कौन है भाई, नेफू रियो भाई, ठीक है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा की कितनी, एक। लोकसभा की कितनी, एक। नागालैंड का किसके अंतर्गत आता है भाई, नागालैंड हाईकोर्ट, ये हाईकोर्ट आता भाई गुवाहाटी हाईकोर्ट, और गुवाहाटी हाईकोर्ट कहाँ पर है भाई, असम में है भाई, कहाँ पर है भाई, असम में भाई, ठीक है। तो नागालैंड ने भाई, ठीक है, अपने यहाँ पर कौन सी भाई सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है भाई। प्रश्न बने क्या भाई, कोई आपसे पूछे प्रेजेंट में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो प्रेजेंट में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है मनसुख मांडविया भाई। क्या नाम है, मनसुख मांडविया भाई। अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। 15 अक्टूबर को भाई विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया गया भाई। 15 अक्टूबर किसके रूप में मनाया गया, विश्व छात्र दिवस के रूप में भाई, ठीक है। और भाई मनाया गया इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस को भाई, ठीक है। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का पहला साइंटिस्ट, क्या भाई, ठीक है, क्या भाई, राष्ट्रपति, भारत का पहला कुंवारा राष्ट्रपति, तमिलनाडु के रामेश्वरम से आने वाला, ठीक है, कौन भाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। भारतीय परमाणु जो विस्फोट क्या था उसमें भी मुख्य योगदान क्या था, ये नहीं कहा था भाई। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2015 को संयुक्त राष्ट्र ने भाई 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की क्या की गई थी घोषणा भाई। कलाम साहब का जन्म भाई 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे भाई। 2002 से लेकर 2007 तक वो भारत के क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। उन्होंने डीआरडीओ भाई, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में भाई, तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो में भी लगभग 4 दशकों तक वैज्ञानिक साइंस एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में क्या क्या कार्य किया भाई, ठीक है। भारत में उनके नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा सैन्य विकास कार्यक्रमों में उनकी भूमिका के लिए भाई उन्हें क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है भाई। और उनकी, ठीक है भाई, उपलब्धियों के लिए ही 15 अक्टूबर को किसके रूप में मनाया जाता है भाई, वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में भाई। पढ़ते हैं अगला प्रश्न भाई। 15 अक्टूबर को भाई, 15 अक्टूबर को क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन भाई, ठीक है। ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुख्य रूप से मुख्य बिंदु यह है कि यह दिन लैंगिक समानता पर केंद्रित है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त मदद करना, लैंगिक समानता का मतलब क्या भाई, पुरुषों के बराबर महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में क्या दिलवाना भाई, स्थान दिलवाना। यह ग्रामीण महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं के द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन तथा खाद्य सुरक्षा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था भाई, 2013 में, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट भाई मनमोहन सिंह की सरकार में आया था, सुधार करने के योगदान और महत्वपूर्ण भूमिका को क्या करता है, सम्मानित करता भाई। तो 15 अक्टूबर क्या भाई, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण, ठीक है भाई, महिला दिवस है भाई। अगली बात करते हैं भाई, 15 अक्टूबर को क्या मनाया गया भाई, 15 अक्टूबर को मनाया गया ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भाई, ठीक है। लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए भाई हाथ की स्वच्छता की महत्व पर जागरूकता बढ़ाने और बेहतर समझ विकसित करने के लिए 15 अक्टूबर को दुनिया भर में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया भाई। महत्व क्या भाई, कोविड-19 प्रकोप भाई, जो कोविड-19 महामारी फैली उस टाइम, ठीक है, लोगों को सैनिटाइज, हाथों को सैनिटाइज करना बार बार और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए ये क्या मनाया गया, दिवस मनाया गया भाई। अगले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये तो, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भी आ गया भाई, और भाई अपने भारत अपना, ठीक है भाई, ठीक है, भारत से अच्छी स्थिति है, ठीक है, हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान की भी, श्रीलंका की, बांग्लादेश की भी और म्यांमार की, भारत इन सबसे पीछे है भाई, ठीक है, 121 देशों की सूची में भाई,
ठीक है, पाकिस्तान कौन से स्थान पे है भाई, ठीक है 99वें स्थान पर है, ठीक है भाई श्रीलंका कौन से स्थान पर है 64वें स्थान पर है, ठीक है नेपाल कौन से स्थान पर है 81वें स्थान पर है, म्यांमार कौन से स्थान पर है 71वें, और भारत 107वें स्थान पर भाई, कौन से स्थान पर 107वें स्थान पर भाई, कौन है भारत है भाई। तो ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत का बुरा हाल है भाई, ये देख लो भाई यहां पर लिखा हुआ है 107वें स्थान पर क्या है जी भारत है भाई। तो भाई अभी अभी ग्लोबल इंडेक्स में भाई ठीक है भारत ने वैश्विक भूख सूचकांक को खारिज किया है, हाँ सच्चाई को भारत खारिज कर देता है भाई। अब अगला जो डे है वो है पुअर्टी एबोलिशन डे भाई, गरीबी अनुमूलन दिवस कब मनाया जाता है भाई 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, पहली बार फ्रांस पेरिस में भाई 1987 में मनाया गया था भाई गरीबी उन्मूलन दिवस भाई। पेरिस किसकी राजधानी भाई, फ्रांस की, पेरिस की, फैशन की नगरी भी कहा जाता है, सीन नदी के किनारे स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के दौरान भाई 1,00,000 लोगों को गरीबी भूख हिंसा और भय के पीड़ितों को सम्मान करने के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्र, तो ये याद रखना भाई केवल इतना ही भाई ठीक है 17 अक्टूबर को भाई ठीक है क्या मनाया जाता है, ठीक है भाई गरीबी उन्मूलन दिवस भाई। और अंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है भाई, ठीक है कौन सा स्थान है 107वां स्थान है भाई, भारत से ऊपर अच्छे रैंक किसके, हमारे सारे पड़ोसी राज्यों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे भाई।